नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत करते हैं आपका Plus 24/7 में। जिसे अति शिक्षकों के बारे में यदि बात कहा जाए तो अति शिक्षकों में कहाँ दिक्कत आ रही है, आप इस चीज़ को समझिए। पहले जो भी महापंचायत में घोषणा हुआ है वो कहीं भी उसको अमल में नहीं लाया गया। यदि आप सोच रहे होंगे कि जो अतिथि विद्वान हैं उनके लिए ऐसा घोषणा हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। अतिथि विद्वानों के साथ भी उसी तरह से छल हुआ है जैसे अतिथि शिक्षकों के साथ हुआ है, ठीक है। चूँकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक अभी ट्विटर पर ट्वीट किया गया था, जैसे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट MP के तरफ से, महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों को 50,000 रुपये मानदेय की मिली स्वीकृत, आदेश जारी। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षिक परिवार के सभी सदस्यों की चिंता और उनके कल्याण के लिए यथासंभव प्रयास किए हैं। CM मध्य प्रदेश जनसंपर्क MP और डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है, ये उच्च शिक्षा के द्वारा जो है तो ट्वीट है। इसके अलावा मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ इसमें, तो मेन जो भी आदेश जारी हुआ है उसे आप देखिए, ये है आदेश, ठीक है। और इसमें है भोपाल 5 तारीख को इसमें जारी हुआ था। राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्री परिषद आदेश आइटम क्रमांक 9 16 सितंबर 2023 के अनुसार वित्त विभाग द्वारा दिए परामर्श अनुसार प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को वर्तमान में देय प्रतिवर्ष 1500 रुपये मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से प्रति दिवस रुपये 2000 रुपये करते हुए अधिकतम मासिक मानदेय राशि रुपये 50,000 प्रदाय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, शेष शर्तें यथावत रहेंगी। अब ये जो एक इस चीज़ को आप कोर्ट को समझिए, शेष शर्तें यथावत रहेंगी, मतलब कि आपका सिर्फ मानदेय के बारे में ही आदेश जारी हुआ है, चाहे वो अतिथि शिक्षक का हो, अतिथि शिक्षक का भी आप देखे होंगे, और चाहे वो अतिथि विद्वान का हो, तो किसी में ये नहीं हुआ है कि आपका जो पेमेंट है उसके अलावा जो शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा किया था उसके बारे में कुछ बोला गया हो, तो सिर्फ पेमेंट के बारे में बोला गया है, ठीक है। और इसके बारे में आपको एक अभी आप ये सोच रहे होंगे ना कि हो सकता है ये अधिकारी लोग इस तरह से कर रहे हों कि शिवराज सिंह चौहान की अवहेलना कर रहे हों बातों को, तो मुझे लग रहा है कि ये साजिश जो है तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ही किया गया है। उसको जानने के लिए आप ये वीडियो देखिए। समझ में आ ही गया होगा कि जैसे शिवराज सिंह चौहान ने यही बोले कि सभी आदेश जारी हो गए, ठीक है, मतलब वो चाहते भी सिर्फ इतना थे कि आपका पेमेंट बढ़ जाए, बस हो गया, इसके अलावा उनका कुछ भी कहना नहीं था। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो अति शिक्षक का है, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, ठीक है, अति शिक्षक पोर्टल पर मानदेय अपडेट करने विषयक है, और इसमें है उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कार्यरत अति शिक्षकों को मानदेय शासन द्वारा वृद्धि की गई है। मानदेय कालखंड के स्थान पर मासिक मानदेय भुगतान वर्ग 1, 2, 3 के क्रमशः रुपये 18,000, 14,000 और 10,000 किया जाना, इस हेतु माह में कार्य दिवसों की संख्या शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर निर्धारित की जाएगी, ठीक है। उक्त परिप्रेक्ष्य में संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर मानदेय मॉड्यूल अति शिक्षकों को मानदेय जनरेट GFMS पोर्टल पर निम्नानुसार की जाएगी। अब इसमें आप समझिए कि कहीं भी आपको किस तरह का, यदि कोई छुट्टी मिलने वाला है, कोई लीव मिलने वाला है, उसके बारे में कोई आदेश नहीं है, आपका अनुबंध होगा 1 साल का नहीं होगा उसके बारे में कोई वो नहीं है, तो मतलब टोटल जो है तो जिस तरह से जैसे शिवराज सिंह चौहान ने बोला ना कि सभी आदेश जारी हो गए, वो इतना चाहते थे उतना आदेश जारी हो गया, बाकी तो फेंके थे सिर्फ महापंचायत में बुला करके, फेंकना उनका काम है, उन्होंने फेंक दिया,
आपने कैच कर लिया कि मामा जिंदाबाद मामा जिंदाबाद, मामा दे दिए जितना देना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी समझ में आ गई होगी। और आपको एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो भी अति शिक्षक हैं जो ये चाहते हैं कि उनके हित में फैसला हो, तो 9 से 10 तारीख को शायद इसके बारे में विशाल धरना प्रदर्शन हो सकता है, आंदोलन हो सकता है। तो आप जाइए और उसमें सम्मिलित होइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका जनबल दिखेगा, ठीक है, उतने ज़्यादा आपको विपक्ष भी अपने साथ ले सकता है। फिलहाल विपक्ष में तो ये सुनने को मिल रहा है और इसमें खबर भी चला है कि माननीय कमलनाथ जी जो है इसको अपने वचन पत्र में शामिल करने के लिए बोला है। तो फिलहाल ये सभी देखने के मैटर है कि क्या होता है आगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।